it is approved? Once it is approved, up to 2 lakh rupee, we can just give us cash as per RBI. Otherwise, we will be transferring directly to the account, which will take seconds. Within seconds? Within seconds, that will be there in the account. So, is there any penalty on prepayment? Prepayment, there is no penalty. आंकड़े की बात करें तो 2 लाख कस्टमर हमारे हैं, इतना स्ट्रांग है इसकी नींव, इतनी स्ट्रांग है कि 2 लाख कस्टमर हमारे जितने स्टेट्स में जितने 500 ब्रांचेस है, 500 शाखाओं में 2 लाख कस्टमर्स हमारे लाइव है अभी। मुंबई में कहाँ कहाँ ये इसके ब्रांचेस हैं? मुंबई, हाँ, तो शुरुआती दौर में हम 25 ब्रांचेस की जो बात कर रहे हैं, 25 शाखाएं जो हम खोलने जा रहे हैं, तो इसका मेन ऑफिस जो रहेगा लोअर परेड में हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेगमेंट जो है, जिन कस्टमर्स को हम ये सेवा प्रदान करने जा रहे हैं, ये कस्टमर्स हमारे लिए रूरल और सबर्बन एरिया में रहेंगे। तो हम सबर्बन मुंबई की बात करेंगे, थाने से स्टार्ट करेंगे, कर्दत कसारा एरिया में हम स्टार्ट करेंगे, वेस्टर्न लाइन में जाएंगे तो बसई विरार नाला सुपारा इस साइड में स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर मुंबई में जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं अपने नौकरी के लिए या रोजमर्रे के लिए, वैसे एरिया में हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा जहाँ पे गोल्ड लोन का, लेकिन बहुत ही लिमिटेड तौर पे वहाँ पे भी हम रहेंगे। रायगढ़ से लेकर थाने तक और वेस्टर्न लाइन में वसई विरार तक और यहाँ पे कर्दत कसारा तक हम प्रेजेंट रहेंगे। एक सवाल है कि आज के दौर में लोग भरोसा कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देखे थे कि ऐसी कंपनियां आती हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपना गोल्ड लोन लेके जाते हैं, फिर ऐसी बहुत सारी कंपनीज के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है, ऐसे में जो विश्वास की बात आती है वो आप कैसे लोगों को दिलाएंगे? सही सवाल और सही मतलब डाउट जताया आपने यहाँ पे, और ये बिजनेस ही विश्वास का बिजनेस है। ये जो हम लोन देते हैं, ये प्लेनली एक लोन नहीं होता है, इसमें हमारे पास मतलब अपना घर का जेवर जो होता है, जो सोना जो होता है वो देता है, उसमें सेंटिमेंटल वैल्यू रहता है। और धोखाधड़ी और विश्वास की जो बात कर रहे हैं, जिसमें पहली चीज़ यह है कि हम रेगुलेटेड हैं, हम रिजर्व बैंक के कार्य मर्यादाओं के तहत हम काम कर रहे हैं, तो उस रूल्स और रेगुलेशन के तहत रह के हम जब ये काम करते हैं, इसमें रेगुलेटर का बहुत सारा कंट्रोल रहता है, वो पहली चीज हो गई। और 25 साल का धरोहर लेके हम बैठे हुए हैं, तो इसमें धोखाधड़ी की बात नहीं आती। और 500 ब्रांचेस हमारे हैं, जहाँ पे 2000 करोड़ का हम एसेट जमा कर चुके हैं और लोन हमने दिया हुआ है लोगों को। तो हम एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए मार्केट में उतरे हैं, जहाँ पे विश्वास ही एक चीज है जो हमारे लिए, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर, जो हमारे लिए लंबे दौर तक बिजनेस करने का और लोगों को सर्विस उपलब्ध कराने का मौका देगी। एनसीडी सिक्योर, और एनसीडी जो हम करते हैं, जो निवेश की बात करें इस कंपनी में, हम चूंकि हम बैंक नहीं है, फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकते आरबीआई की मर्यादाओं के तहत, लेकिन हम एनसीडी जो देते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जिसको कहते हैं, वो पूरा सिक्योर्ड रहता है। जो हम लोन का या सोना कर्ज का बिजनेस करते हैं, उसको हम उसका पूरा बैकअप इस एनसीडी को रहते हैं, तो ये भी एक ट्रस्ट और विश्वास वाली बात होगी। जितेंद्र मिश्रा, हमारा महालक्ष्मी जी, अच्छा दो मिनट सवाल है। एक तो पहला सवाल, जिससे आपने अभी यहाँ नई कंपनी को लॉन्च करा, 500 हमारे बैंक में लोगों का विश्वास जो गोल्ड है, किस तरीके से लोन आते कैसे आप दिला पाएंगे? हाँ, यही सवाल करते ही तो यही सवाल होता है, और बहुत ही मुनासिब सवाल है। इसमें क्या है, इस बिजनेस की नींव ही विश्वास है, इसका फाउंडेशन जो है वो विश्वास है। तो विश्वास दोनों तरफ से होता है। ये अब ये होता है कि हम पैसा दे रहे हैं कस्टमर को, इसमें ना हम क्रेडिट को स्कोर चेक करते हैं, इसका सिर्फ एक ही गाइडलाइन रहता है कि इसकी प्योरिटी क्या है। सोना जो देते हैं, जो जेवर हमारे पास होता है, तो उसकी शुद्धता क्या है, राइट? तो ये एक विश्वास वाली बात हो गई, जो कंपनी कस्टमर पे विश्वास करती है। केवाईसी के अलावा, केवाईसी क्योंकि एक आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, और हमारे लिए भी ये तस्दीक हो जाता है कि ये कस्टमर है जेन्युइन, ये कस्टमर एग्जिस्ट करता है।
तो वो एक विश्वास हो गया। अब कस्टमर का विश्वास हमारे ऊपर जो है, कस्टमर हमारे ऊपर विश्वास इसलिए करेगा क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं पहली बार, और इस कंपनी को विश्वास दिलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, काफी सारी चीजें हैं। और विश्वास तभी आएगा, ये पहले दिन हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले दिन विश्वास जनरेट नहीं होता है, विश्वास आने के लिए कुछ अरसा लगता है, तो उस टाइम तक हम रहेंगे। अब बात रही 500 ब्रांचेस की, 1997 से हम है मार्केट में। हाँ, बस यही चीज है कि हम दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में हम बिजनेस कर रहे थे, जैसे केरल से स्टार्ट किया। अब हम बाकी के मराठी मीडिया वालों को भी हम यही बता रहे थे कि एक जिले में स्टार्ट कर दिया, एक जिले में स्टार्ट करके जब वहां का विश्वास प्राप्त हो गया तो लोगों ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया कि हमने सोचा कि अगले जिले में जाते हैं, करते करते 300 ब्रांचेस तक आ गए एक ही राज्य में। तो जब एक स्टेट का हमें पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया तो हमने ये सोच लिया कि अगले स्टेट में क्यों ना जाए, तो तमिलनाडु में गए, कर्नाटक में गए, आंध्र तेलंगाना में गए, और अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो तब जाके हमने सोचा कि क्यों ना हम पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में जाए, क्यों ना हम नॉर्थ में जाए। तो अगले पड़ाव के लिए ये हमारा, मतलब अगर हमें नॉर्थ में जाना और कुछ करना है तो ये हमारा अगला पड़ाव है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में मुंबई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट, हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मुंबई में स्टार्ट करें, एक बड़ा रीजनल ऑफिस स्टार्ट करें, एक हब लोकेशन स्टार्ट करें, और बिजनेस के लिए और लोगों को सेवा प्राप्त कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए हम मुंबई के सबर्बन एरिया में जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकल पॉइंट ही वो है जिनको मेन स्ट्रीम बैंकिंग नहीं है, जिनको बैंकिंग सेवा नहीं मिलती है, उनका मतलब ग्रामीण एरिया में जाते हैं पिछले वो रीजनल ऑफिस के लिए बात कर रहे हैं। रीजनल बात लोअर परेल इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि ये साउथ मुंबई के एरिया में होंगे, यहाँ से हम बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे। बिजनेस के लिए मुंबई में हम 25 ब्रांचेस खोलेंगे, मुंबई में अगले 3 महीने में हम 25 ब्रांचेस खोलेंगे। और पहले रीजनल ऑफिस हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे RBI है, रेगुलेटर्स है, बाकी सारी बॉडीज है जिनको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, इस मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं। ब्याज हमारा 1% से लेकर 2% तक का महीने का रहता है। अदर जो है जैसे मणिपुर में बहुत सारे गिने चुने जो सेक्टर है जो गोल्ड लोन भी नहीं है उसमें मणिपुर इसमें ज्यादा लोगों को ज्यादा, लेकिन आप उनसे उनका ब्याज कम होगा या बराबर के? मतलब देखिए, अब हम आपसे ये सवाल, आप हमसे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छोटी सी कंपनी है, राइट? हमारी उपस्थिति यहाँ पे नहीं है, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। हम भी ऐसी कंपनियों से हैं, जब 10 साल पहले हमने स्टार्ट किया था तो वो भी ऐसे ही थे, 10-14 ब्रांचेस थे, कहीं पे ब्रांचेस नहीं थे। हाँ, लोगों ने यही पूछा था कि आप विश्वास करोगे, मतलब विश्वास कैसे जताओगे लोगों को, राइट? और ये इतनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, इंटरेस्ट रेट हम तो कहते हैं कि जो ब्याज दर है उनसे बेहतर हमारा है, कम रहेगा। 1% से अगर पर मंथ 1% बता रहे हैं तो 12 में 12% हो गया। हाँ जी, तो ये इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है, ये इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है, दे पे प्रॉपर्ली, यू नो, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ जंप्स, बट यू नो, सो वी सपोर्ट देम टू पे इट रेगुलरली बाय मींस ऑफ एसएमएस, 2% तक, मतलब 12 से लेकर 24% तक ये रहता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गोल्ड लोन है सर, ये शॉर्ट टर्म गोल्ड लोन जो है, मजबूरी में कोई गोल्ड लोन लेता है मजबूरी में? नहीं, वो दौर चेंज हो गया है। गोल्ड लोन का जो मजबूरी वाला या स्ट्रेस टाइम में लेने वाला, डिस्ट्रेस में लेने वाला टाइम चेंज हो गया है। आज अपनी जरूरतों को, अपनी जरूरतों को आपको 18% तो इससे अच्छा तो 10% प्लास्टिक में देता नहीं। सर, आपको एक चीज बताता हूँ, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होंगे,
तो 36% देते हैं, लेकिन हम साल के हिसाब से सालाना ब्याज का कैलकुलेशन नहीं है। सवाल है कि आप गरीबों को भी जाना चाह रहे हैं जो समान है, गरीब मतलब समान, उसमें आप जगह के 10-15% क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड 80% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। बराबर बराबर, तो इसका भी जवाब दिए देता हूँ मैं आपको। ये जो गरीब लोग, कोई भी स्तर का कोई भी इंसान हो जिसको पैसे की जरूरत पड़ती है और वो तुरंत जरूरत पड़ती है, राइट, तो मान के चलिए कि हम बहुत ही ग्रामीण एरिया में जाएंगे, महाराष्ट्र के रूरल एरिया में जाएंगे जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, तो इनको पैसे की जरूरत होती है 2 या 3 महीने के लिए। Most of them, you know, they are actually been supported by the unsector, I mean, unorganized sectors. They are all paying about, you know, even 3 rupees to 5 rupees, and we are actually saving their, you know, savings. और ये बहुत ही अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस business को लेकर, gold loan का, इसका 60-65% business का portion जो है unorganized sector करता है, जो local money lenders रहेंगे, right? वो कितना लगाते हैं? 3% से स्टार्ट करते हैं, जैसे और मनमानी होती है, यहाँ पे वो नहीं होता। हम आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन से उसके मर्यादा में रह के हमें काम करना होता है, रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं ना, उस सेक्टर के मुकाबले हमारा काफी कम है, काफी कम है, और ये शॉर्ट टर्म में होता है, कोई सालों साल तक नहीं चलेगा, इसीलिए इंटरेस्ट रेट। अगर मान लीजिए कोई ग्राहक आपका फरमान आएगा ना, गोल्ड लोन, इसीलिए इसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। कितना दिन उसको करेंगे? बहुत सारे ऐसे हुए गोल्ड से ज्यादा उसके पे पैसा हो गया, तो फिर बाकी पैसा कैसे आप वसूलोगे? नहीं नहीं, वसूली नहीं होती यहाँ पे, ऐसे टर्म कंडीशन जो आपको होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन होता है इसको हम, या फिर इसका नूतनीकरण कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं कस्टमर को बुला के, और चक्रवृद्धि ब्याज लगा नहीं 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कस्टमर फ्रेंडली तरीके से हमें इसको करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपके पास गोल्ड लोन लिया और 2 साल तक मैं नहीं छुड़ा पाया या नहीं ले पाया, 2 साल तक का वो टाइम पीरियड नहीं रहता, 1 साल का रहता है 12 महीने, उसमें उसको चाहिए तो उसका ये कह रहे थे कि रिन्यूअल या फिर नूतनीकरण कर सकते हैं। रिन्यूअल भी संभव है। ओके आप देखिए, मैंने अगर सोना रखा हुआ है आपके पास, आप एक कंपनी है, मुझे चाहिए जैसे पैसा आ गया, मान के चलिए मैं एक ट्रेडर हूँ, कोई त्योहार आ गया उससे पहले मैं स्टॉक कर रहा हूँ, तो आप जैसे बता रहे थे कि एकदम मतलब मजबूरी में कोई आता है, वो तो ये एलिमेंट हो, वो जमाना था, लेकिन आज की तारीख में ये होता है कि एक त्योहार आ गया, मुझे स्टॉक बढ़ाना है, स्टॉक बढ़ाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, तो मैं लाके वो स्टॉक अपना इन्वेंटरी क्रिएट करता हूँ, उसके बाद जब त्योहार आ गया, पैसे आ गए, 3 महीने में छुड़ा लिया उसको, या फिर इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, इसमें बिजनेस बेनिफिट बिजनेसमैन वालों को ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा सर, ये 25 जो ब्रांचेस खुल रहे हैं आप, एक तो रीजनल यहाँ हो जाएगा, कितने मतलब कर्मचारियों के मतलब कितने रोजगार मिल सकते हैं, मतलब ये अंदाजा होगा? 25 में 100 लोग आ जाएंगे, 100 से 150 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वैसे भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो रोजगार जिनको आप अपॉइंटमेंट करते हैं उनको सैलरी और क्या प्रोसीजर है? वो जो नॉर्मली एक कॉर्पोरेट में जो एक्सपीरियंस जैसे साउथ वाला होगा, मुंबई में यहां के हिसाब से सैलरी करेक्ट करेंगे। जी जी, चलिए सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो मिश्रा जी कहां से हैं आप? हम तो उत्तर प्रदेश, हम लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कहां से? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। और मुंबई में कहां? मैं अंधेरी में, अंधेरी हमारे सीनियर मतलब यहाँ से छोटी सीनियर, हम लोग तो ज्यादातर पॉलिटिकली कवर करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल नहीं है, सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस नहीं, लेकिन सामना में छापोगे तो अच्छा ना, क्योंकि ये वही वर्ग है जो पढ़ेगा, सामना में जब छपेगा तो इनको इनका एक्चुअल वो मिलेगा, क्लाइंट मिलेगा। चलो अच्छा है, यहाँ आए भाई, जहाँ है रोजगार मिले लोगों को, बड़े कोरोना काल की वजह से। चलो सर, मिलते हैं। चलो सर, थैंक यू, थैंक्स।